हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक तकनीकी विश्लेषण श्रृंखला में, अ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बाय डीके। दोस्तों, इस वीकेंड में आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे इंडेक्स की एनालिसिस, वीकली एनालिसिस की जाती है, जिसमें हम विश्व के बाजारों का भी अवलोकन करते हैं और निफ्टी के जितने इंडेक्स हैं और ब्रॉडर मार्केट को जानने के लिए निफ्टी 500 के प्राइस चार्ट को भी देखते हैं, ताकि हम एक आने वाले सप्ताह के लिए एक होलिस्टिक व्यू बना सकें। और उसे हम कंबाइन करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीकली इंडेक्स टेक्निकल चेक में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम एनालाइज करेंगे ग्लोबल इंडेक्स को, ग्लोबल इंडाइसेस को, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट एंड अमेरिकन मार्केट। दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इंडेक्स की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये हर वीक में, हर सप्ताह में इस चैनल के ऊपर में हम पहले विश्व के बाजारों का अवलोकन करते हैं, ग्लोबल इंडाइसेस को देखते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स है, एशियन इंडेक्स है, अमेरिकन इंडेक्स है एंड यूरोप के जो मेजर इंडेक्स हैं दोस्तों। उसके बाद हम सेक्टर की एनालिसिस करते हैं, जो निफ्टी के अलग अलग सेक्टर हैं उनकी एनालिसिस करते हैं, और तत्पश्चात हम वापस जाते हैं और निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, और साथ में ब्रॉडर मार्केट को जानने के लिए दोस्तों हम निफ्टी 500 के भी चार्ट को देखते हैं। पर्पस इस वैरायटी ऑफ एनालिसिस का पर्पस सिर्फ ये है दोस्तों, ताकि एक होलिस्टिक आइडिया हम बना सके, और इस प्राइस चार्ट एनालिसिस करने के बाद, प्राइस एक्शन एनालिसिस करने के बाद दोस्तों, हम ऑप्शन चेन एनालिसिस में उसके डेटा को भी डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक होलिस्टिक व्यू बना सके और एक जानने की कोशिश कर सके कि आने वाले सप्ताह में निफ्टी के ट्रेडिंग की रेंज की संभावना क्या है। और अगले आने वाले सप्ताह का तात्पर्य यह है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्शन चेन का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक्सपायरी थर्सडे के दिन होता है, तो ये एनालिसिस का रेंज जो है दोस्तों, वो थर्सडे तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आने वाले सप्ताह में एक दिन और ट्रेडिंग सेशन बचता है, जो फ्राइडे का होता है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, ये सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं। और जैसा दोस्तों लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था, ये सारी ट्रेंड लाइन खींची थी जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, और हमने देखा यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों एक ये मेजर इम्पल्सिव वेव बना, करेक्शन लिया प्राइस में, और उसके बाद हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई। तो ये दोस्तों एक मॉर्निंग स्टार का
फॉर्मेशन है और बहुत रेलेवेंट ये है दोस्तों कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास आया है जो 61.8% इस इम्पल्सिव वेव का जो रिट्रेसमेंट है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसकी संभावना अपसाइड मूव की ट्रेंड को रिज्यूम करने की बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं और चलते हैं डैक्स की तरफ, जो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये जर्मनी का बेंचमार्क इंडेक्स है यूरोप में। एंड दोस्तों पिछले सप्ताह हमने ये लाइन खींच के रखी थी जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, और हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और हम देख सकते हैं कि इसमें मासिव अपसाइड मूव किया दोस्तों। ये की रिट्रेसमेंट लेवल के बारे में जिक्र पिछले सप्ताह में किया गया था और अपसाइड मूव की संभावनाओं को जारी किया गया था, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये रेजिस्टेंस के पास है, और अगर दोस्तों इसका ब्रेकआउट अगले सप्ताह में अपसाइड होता है तो हम बहुत बड़ा इसमें अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, तो ये दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अपसाइड ब्रेकआउट होगा और इसके और ऊपर जाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों कैक 40 की तरफ, जो हम सभी जानते हैं ये फ्रांस का बेंचमार्क इंडेक्स है। ये भी दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया में है, मल्टीपल सप्लाई यहाँ देख सकते हैं, प्राइस में यहाँ रिजेक्शन लिया, इस जगह पर रिजेक्शन लिया, और दोस्तों अगर इसका ब्रेकआउट इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होता है जो 5702 के ऊपर में अगर ये ट्रेड होने लगता है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा। और ये एक देखिए डबल बॉटम है यहाँ पे दोस्तों, और ये डबल बॉटम का डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा यहाँ पे दोस्तों, साथ में एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी, ये लेफ्ट शोल्डर ये देख सकते हैं, राइट शोल्डर, तो दोस्तों इसमें भी अप मूव बहुत भारी तरीके से हम देख सकते हैं। पिछले सप्ताह में आपको याद होगा दोस्तों हमने इस लेवल का जिक्र किया था कि ये सपोर्ट लेवल के पास में है और इसके ऊपर जाने की संभावना है, जो वैसा ही साबित हुआ दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फुटसी के चार्ट को देखते हैं, जो यूरोप का एक अनदर इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी इस इम्पल्सिव वेव का जो करेक्शन हुआ दोस्तों, ये करेक्शन हॉल्ट हुआ 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पर, और उसके बाद में हमने एक पिन बार का फॉर्मेशन देखा जिसका कंफर्मेशन हुआ, और ये आप देखिए दोस्तों अभी प्राइस एक बुलिश मूव दर्शा रही है। इसका भी यहाँ पर बहुत नियर बाय रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर में ट्रेड होने लगता है तो इसमें भी एक मासिव अपसाइड देख सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी यूरोप के जितने भी इंडेक्स हमने देखे किसी में भी प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि प्राइस के ऊपर जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी हायर है, और इस लेवल को ब्रेक करने की संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं और एशियन इंडेक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये जापानीज बेंचमार्क इंडेक्स है निकाई 225, और इसमें दोस्तों कई सप्ताह से अगर आप वीडियो देखेंगे इस चैनल पे दोस्तों, इस मासिव हेड एंड शोल्डर का जिक्र किया गया था दोस्तों, और ये एक डाउन ट्रेंडिंग इंडेक्स था दोस्तों, लेकिन इसमें अब हम देख सकते हैं बुलिश मूव होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्रिस प्राइस एक बार फिर से इस जोन में चली गई, लेकिन दोस्तों उसने इस लेवल को नहीं तोड़ा और फिर से ट्रेंड अपसाइड रिज्यूम होता हुआ नजर आया। ये मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे मूविंग एवरेज का हम देख सकते हैं, और प्राइस अभी SMA 233 के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो इसके भी अपसाइड की संभावना है। अब चलते हैं दोस्तों कॉस्पी इंडेक्स की तरफ, जो एक कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स है। इसमें दोस्तों ये एक डाउन ट्रेंडिंग इंडेक्स था, और हम देख सकते हैं अभी भी प्राइस जो है दोस्तों SMA 233 के नीचे है, SMA 89 SMA 233 के नीचे है। इसका मतलब इंटरमीडिएट ट्रेंड बेरिश है दोस्तों, और इसमें दोस्तों हम क्या देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन जो हमने खींची है दोस्तों, ये पिछले सप्ताह में भी इस ट्रेंड लाइन का जिक्र किया गया था, तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस की तरह साबित होगी, और यहाँ पर आप देखिए प्राइस ने वहाँ पर जाकर एक रेजिस्टेंस लिया है जो क्लियरली रिजेक्शन दिखा रहा है।
तो प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में, जो एक रेजिस्टेंस लाइन है दोस्तों, इसके ऊपर में अगर ट्रेड होने लगती है तो दोस्तों यहां पर भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा। हम देख सकते हैं लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर अंडर फॉर्मेशन है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर इस लाइन के ऊपर में ट्रेड होने लगता है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल होगा इस डाउन ट्रेंडिंग इंडेक्स में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं सेट 50 की तरफ। जो हम सभी जानते हैं दोस्तों ये थाईलैंड का इंडेक्स है और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया के पास ने इसने फिर में वापस अपसाइड दिखाया है और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसे हम वन वाइट सोल्जर बोलते हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें अप ट्रेंड अपसाइड मूव रिज्यूम हो सकता है। इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस इस जगह पे फेस करना पड़ेगा दोस्तों। जो कन्फ्लुएंस एरिया है, प्रीवियस स्विंग हाई है SMA 233 का कन्फ्लुएंस एरिया है और SMA 55 का, तो दोस्तों अभी भी क्वेश्चन है इसके ऊपर जाने की। इस एरिया में अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है दोस्तों तो हम एक मासिव अपसाइड इसमें भी देख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अमेरिकन इंडेक्स की तरफ एंड दोस्तों ये नैसडैक 100 का चार्ट है और हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पिछले एनालिसिस को याद कीजिए पिछले सप्ताह की, उसमें दोस्तों ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा गया था। यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया और शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन, यहाँ शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन एंड दोस्तों वंस अगेन हम यहाँ देख सकते हैं एक गैप अप कैंडल बनी लेकिन प्राइस अभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाई और अगेन एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है जो एक रेजिस्टेंस एरिया में हुआ है। तो दोस्तों अब ये देखना है कि ये गैप को पहले फिल करता है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है दोस्तों लेकिन ये की रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन पे फेस कर रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट अपसाइड में होता है दोस्तों तो इसमें दो संभावना है। यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल बॉटम्स है, ट्रिपल बॉटम्स है, इसका अपेक्स ये है दोस्तों। अगर इस अपेक्स के ऊपर में ट्रेडिंग होने लगती है तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा और इस अपेक्स का ब्रेकआउट होगा तो हम एक बहुत सिग्निफिकेंट अप मूव इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं S&P 500 के प्राइस चार्ट पर और दोस्तों यहाँ पर भी ये सारी जो ड्राइंग्स हैं दोस्तों ये पिछले सप्ताह में भी अगर एनालिसिस को आप रिविजिट करेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन इस चैनल पे हुआ है कि दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्राइस में एक अपसाइड मूव हुआ बट मार्केट क्लोज होते होते इसमें सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पर भी हम एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देख सकते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के पास है, जो मैं आपको ड्रॉ करके दर्शाता हूँ। आप देखिए दोस्तों इस जगह पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट था। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस को इस बैंड के ऊपर में, क्योंकि ये जो बैंड है दो हॉरिजॉन्टल टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन का, वो इम्पॉर्टेंट सप्लाई बैंड है। प्राइस अगर जब तक इस लेवल के ऊपर में नहीं जाती है तब तक वो इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस करने की संभावना बहुत प्रबल है। अब दोस्तों हम सेक्टोरल इंडेक्स को देखते हैं जो निफ्टी के अलग अलग सेक्टर हैं और दोस्तों ये है निफ्टी कंजम्पशन का प्राइस चार्ट। जैसा आप जानते हैं दोस्तों ये फॉलिंग चैनल का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कई सप्ताह से करके रखा था जब प्राइस यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रही थी और हमने देखा प्राइस इस चैनल में ट्रेड हो रही है और इस चैनल का क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने अपमूव दिखाया, रीसेंट करेक्शन हुआ जो एक नॉर्मल पुल बैक है। प्राइस ने सपोर्ट लिया EMA 21 पे और फिर अप ट्रेंड का रिजम्पशन नजर आ रहा है दोस्तों, इसके भी ऊपर जाने की संभावना बहुत प्रबल हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी रियलिटी के प्राइस चार्ट पर और इसके भी प्राइस में हम देख सकते हैं दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन खींची गई थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया। अब दोस्तों उसी जगह पे सपोर्ट लेके आप देखिए दोस्तों ये प्राइस में यहाँ पर फॉल अरेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये इम्पॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ सपोर्ट लिया इसने, इस जगह पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया। तो दोस्तों इसके अपर बैंड को टेस्ट करने की बहुत संभावना है तो हम इसमें भी अपमूव देख सकते हैं। प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है हम देख सकते हैं और ये अपमूव के लिए तैयार नजर आता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में फिलहाल ट्रेड हो रहा है।
अब दोस्तों हम बढ़ते हैं इंफ्रा सेक्टर को देखते हैं। ये निफ्टी इंफ्रा का प्राइस चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर भी हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखी थी दोस्तों। हम देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, मल्टीपल रिजेक्शंस था और दोस्तों अल्टीमेटली 20 सितंबर को जो कैंडलस्टिक बनी उसने एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक गैप अप कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, उसके बाद करेक्शन हुआ और ये दोस्तों ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका फॉल है वो अरेस्ट होता हुआ नजर आया और इसके बाद जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, ये एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन है, वो भी एक सपोर्ट एरिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट इंडिकेट कर रही है। इसके अलावा ईएमए 21, ईएमए 55 तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है दोस्तों, जहां से ये अप मूव दिखा रहा है तो इसके भी ऊपर जाने की संभावना काफ़ी प्रबल है। अब दोस्तों हम मीडिया क्षेत्र को देखते हैं और ये निफ्टी मीडिया का चार्ट है। हमने पिछले कई सप्ताह से देखा दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है काफ़ी दिनों से। हम देख सकते हैं जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे जाती है एक रिजेक्शन देती है और एक नया लो बनाती है दोस्तों। ये वीक इंडेक्स है और अभी भी इसमें कोई ऑफकोर्स एक माइनर पुलबैक की संभावना को नहीं रूल आउट किया जा सकता है। और ये इस जगह पे जो बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन है ये अगर अगेन रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, तब ये रेजिस्टेंस है और वो ईएमए 21 का भी कन्फ्लुएंसिंग एरिया है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इसमें ये एक वीक इंडेक्स है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्राइवेट बैंक के चार्ट को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं ये मल्टीपल सपोर्ट के बाद में दोस्तों इस जगह पे अपेक्स को ब्रेकआउट इसने दिया, उसके बाद अपसाइड मूव दिखाया, करेक्शन हुआ। ये अब करेक्शन या हॉल्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ये बैंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट बैंड है दोस्तों, फिबोनाची टूल पे 61.8% टू 78.6%। तो दोस्तों 5,280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हम इसमें भी रिवर्सल की संभावना देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप कैंडल को ध्यान से देखें 9th अक्टूबर 2019 की कैंडल एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन था, उसके बाद में एक करेक्शन हुआ। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल जो करेक्शन है एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड हुई है और इसका सपोर्ट जोन पे होने से, क्योंकि ये एक ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट है दोस्तों, तो एक चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है और इसकी संभावना ऊपर जाने की प्रबल है। ऑफ कोर्स दोस्तों ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। अब देखना है अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर शायद अंडर फॉर्मेशन है, अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हमें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और इसके ऊपर में जाता है तो हम एक मासिव अपसाइड इसमें भी देख सकते हैं। प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और निफ्टी मेटल के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों इसके चार्ट में भी हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ये एक मासिव डाउन ट्रेंड में इंडेक्स था और इस जगह पे कंसोलिडेशन के बाद अब हम देखते हैं ये लोअर लो बनाने में शायद फेल हुआ और इसके बाद में हम एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक प्राइस एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड हुई और वंस अगेन जो फ्राइडे को मार्केट जब बंद हुआ तो इसमें वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ। ऑल दो ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश है लेकिन इसके अपसाइड मूव करने की संभावना अधिक है और ये देखा जा सकता है कि शायद इसमें रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है और प्राइस ने लोअर लो बनाने में असफलता हुई है उसे। अब दोस्तों चलते हैं हम फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो एक मासिव इंपल्सिव वेव है इसका करेक्शन यहाँ हॉल्ट हुआ गोल्डन रेशियो पे 61.8% पे और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्यों है दोस्तों, ये आप देखिए डबल बॉटम का ये अपेक्स था, इसका ब्रेकआउट हुआ,
प्राइस ने अपसाइड मूव किया, करेक्शन किया, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और साथ में ये कन्फ्लुएंसिंग एरिया है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पे गोल्डन रेशियो के पास में आके ये रिट्रेसमेंट हॉल्ट होता हुआ नजर आया है, और उसके पास में दोस्तों एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि इसके भी ऊपर जाने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि ये एक सपोर्ट के पास में है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों ओवरऑल ये एक वीक इंडेक्स है, हम देख सकते हैं कि एसएमए 89 भी अभी फिलहाल एसएमए 233 के नीचे है, इंटरमीडिएट ट्रेंड बेयरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बेयरिश है, और ये इम्पोर्टेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों। अब ये देखना है दोस्तों कि इस ज़्यादा से ज़्यादा पुल बैक फिलहाल इसका इस जो सपोर्ट लाइन थी अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, तो ओवरऑल इंडेक्स बिलिश है, बस बेरिश है, बट दोस्तों एक पुल बैक की संभावना को इस लाइन तक रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है और इसीलिए एक नॉर्मल पुल बैक, जैसे ये डीप फ्लॉल हुआ फिर पुल बैक हुआ, यहाँ पर भी पुल बैक होने की संभावना इस जोन में कहीं पर भी जाके ये जा सकता है, बट फिलहाल ट्रेंड बेरिश है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं ये एक मासिव डाउन ट्रेंड में था, और ये एक रेजिस्टेंस लाइन जो खींची गई है दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन दिया, यहाँ रिजेक्शन दिया, यहाँ रिजेक्शन दिया, और फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों। इस जगह में प्राइस ने कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन बैंड के जब बाहर गया तो दोस्तों ये डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट था। तो दोस्तों ये एक रिवर्सल पैटर्न दर्शा रहा है, और ये एक एक्यूमुलेशन जोन था जहां पे शायद इसमें बाइंग आई है, तो इसके भी प्राइस के ऊपर जाने की संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं ईएमए 21 ने ऑलरेडी दोस्तों ईएमए 55 को क्रॉसओवर किया है, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बुलिश दर्शाता है। और दोस्तों ये हम देख सकते हैं कि अगर ये ईएमए 55 का क्रॉसओवर अगर एसएमए 233 का हो गया तो एक ये एक गोल्डन क्रॉस होगा दोस्तों, और इसमें हम बहुत बड़ा अपमूव देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और निफ्टी मिड कैप 50 के प्राइस चार्ट को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये भी एक डाउन ट्रेंडिंग था, लेकिन इस जगह पे काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद में हम देख सकते हैं कि इसमें एक ये बैंड के बाहर में ब्रेकआउट दिया, इसके बाद प्राइस में रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट के बाद दोस्तों ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। हम एक पिन बार का फॉर्मेशन देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी ऊपर जाने की संभावना है, और अगर इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें दोस्तों तो क्या यहाँ पे आप कोई चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। दोस्तों मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे एक चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है। ये प्राइस डाउन साइड में आई, इसने यहाँ लेफ्ट शोल्डर बनाया, प्राइस अपसाइड गई, इसने यहाँ हेड बनाया, इसके बाद प्राइस अपसाइड में गई और इसने यहाँ पे राइट शोल्डर का फॉर्मेशन किया, और हम देख सकते हैं ये इसका ब्रेकआउट हुआ। अब दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि अगर हम इसे राइट शोल्डर मानते हैं तो ये जोन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन में है, जिसके पास में ये ट्रेडिंग हो रही है, तो इसके भी ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं और ऑटो क्षेत्र को एनालाइज करते हैं। निफ्टी ऑटो का प्राइस चार्ट हम देख सकते हैं, एक मासिव डाउन ट्रेंड के बाद में प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया, और यहाँ पर दोस्तों एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसे मैं ईव एडम काइंड ऑफ पैटर्न बोलते हैं, और इस ब्रेकआउट के बाद में दोस्तों प्राइस इस जो ट्रेंड लाइन थी, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, इसका भी ब्रेकआउट हुआ। प्राइस ने माइनर पुल बैक लिया है दोस्तों, और माइनर पुल बैक के बाद हम देख सकते हैं ये जो प्रीवियस इम्पल्सिव वेव है, इसका जो करेक्शन है वो 61.8% पर, जो गोल्डन रेशियो है, उसके पास में हॉल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम इसमें भी अपसाइड का की संभावना देख रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं निफ्टी फार्मा के प्राइस चार्ट पे। ये ओवरऑल एक बेरिश इंडेक्स है दोस्तों, हम देख सकते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड और
शॉर्ट टर्म ट्रेंड, सारे मूविंग एवरेजेस ये इंडिकेट कर रहे हैं, सारे मूविंग एवरेजेस का स्लोप डाउनवर्ड है। इस चैनल के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही थी इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो हम इसका पुल बैक देख सकते हैं दोस्तों इस चैनल के लोअर फाइबर तक में, जब तक ये प्राइस दोस्तों एक इस अपर चैनल के फाइबर को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाती है। ये एक डाउन ट्रेंडिंग व्यू ही इसमें बन रहा है, बेरिश व्यू ही इसमें नजर आ रहा है फार्मा क्षेत्र में। अब दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी आईटी, आईटी क्षेत्र को एनालाइज करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कई सप्ताह से दोस्तों एक हमने ऑब्जर्वेशनल हेड एंड शोल्डर का ये ड्रॉ करके रखा है, पिछले कई सप्ताह के वीडियो में आप इसके डिस्कशन को देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका ये जो नेक लाइन है इसको टेस्ट करके प्राइस ने फॉल किया, और प्राइस का जो इस अगर हेड एंड शोल्डर के टारगेट की बात करें तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर का टारगेट ये वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की गई है ये करीब 14,500 के आसपास आता है, 14,550 के आसपास आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी वीक इंडेक्स से ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें दोस्तों तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो एक सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब दोस्तों इसमें एक संभावना जो बन रही है, केवल ये जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन फ्राइडे के दिन हुआ है दोस्तों, इसने पिछले चार दिन के ट्रेडिंग रेंज को एनगल्फ किया है। अब देखना है दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर में प्राइस ब्रीच करने में, ब्रेकआउट देने में सफल होती है कि नहीं होती है। अगर इसके प्राइस के ऊपर में ट्रेड होने लगती है दोस्तों तो ये एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हम मान सकते हैं इसे, और अदर ट्रिपल बॉटम का, और अगर डबल बॉटम ये है दोस्तों इसका अपेक्स के ऊपर में इसे 15,600 के ऊपर में ट्रेड होना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अप मूव। अब हम चलते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के प्राइस चार्ट को देखते हैं, जिसे हम बैंक निफ्टी भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं, और ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो हुआ दोस्तों इसका ब्रेकआउट हुआ डिसाइसिव, प्राइस ने करेक्शन लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है प्राइस दोस्तों। ये पिछले इंपल्सिव वेव को देखें दोस्तों तो प्राइस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में है, जो जोन 61.8% जो गोल्डन रेशियो है और उसका डेरिवेटिव जो है दोस्तों 78.6% इस जोन में ट्रेड हो रही है। तो दोस्तों 27,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में स्पॉट प्राइस में, और यहाँ से अगर ये रिवर्सल दिखाता है तो हम इसमें एक अपसाइड मूव देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न ये ऑलरेडी दिखा चुका है, यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स का ब्रेकआउट है। अब दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी 500 के प्राइस चार्ट को देखते हैं दोस्तों, ब्रॉडर मार्केट को समझने के लिए। पिछले सप्ताह में दोस्तों हमने डिस्कस किया था एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, और हम देख सकते हैं प्राइस ने अपमूव दिया, रिट्रेस हुई प्राइस, और इस नेक लाइन को जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जिसको टेस्ट किया दोस्तों, जो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, 80% ऑफ द टाइम जब भी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस नेक लाइन को टेस्ट करती है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें तो इस नेक लाइन को टेस्ट करने के बाद दोस्तों एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो नेकलाइन है दोस्तों ये कॉन्साइड कर रही है 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट लेवल है और प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बहुत प्रबल है। तो ब्रॉडर मार्केट क्या दिखा रहा है दोस्तों, स्टॉक मार्केट की, यहाँ से ये करेक्शन जो अभी रिसेंटली हुआ है वो यहाँ करेक्शन ऑलमोस्ट समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, और हम इसमें अपसाइड मूव देख सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी के प्राइस चार्ट पर, और फाइनली हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों ये कंसोलिडेशन बैंड है जिसका जिक्र पिछले सप्ताह में भी किया गया था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद में हम एक रनअवे गैप देख सकते हैं, और उसके बाद में प्राइस ने करेक्शन दिया, और ये करेक्शन जो यहाँ रेजिस्टेंस था अब यहाँ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये करेक्शन के बाद हम एक मासिव अपसाइड देख सकते हैं जो एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन है, और इसके बाद अगेन दोस्तों हम फ्राइडे के दिन भी देखें दोस्तों एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है जो इंडिकेट करता है दोस्तों कि इसमें अपसाइड मूव हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं अगले वीक में। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेन की एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं दोस्तों।
सो दोस्तों ऑप्शन चेन में चलने के पहले निफ्टी का प्राइस एक्शन से हम एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जहां से ये रिवर्सल दिखा रहा है। दोस्तों ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट था, तो दोस्तों इसका जो लोअर साइड में एक सपोर्ट है वो स्ट्रांग सपोर्ट इमर्ज होके आ रहा है दोस्तों, और वो सपोर्ट है दोस्तों 11,090 का। तो दोस्तों 11,090 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है निफ्टी में प्राइस एनालिसिस के हिसाब से, प्राइस एक्शन एनालिसिस के हिसाब से। और अपसाइड में रेजिस्टेंस देखें तो दोस्तों इस जगह पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखाता हूं दोस्तों, तो इस जगह पे आप देखिए ये यहां पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया, ये पहले सपोर्ट था दोस्तों, सपोर्ट था और ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है। इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, वंस अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये लेवल दोस्तों जो आता है वो लेवल है दोस्तों 11,650 का। तो 11,650 और इसको नीचे साइड में हम लाए दोस्तों यहाँ पर, तो ये आता है दोस्तों 11,600। तो 11,600 से लेकर 11,650 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। वाइल नीचे साइड में अगर हम देखें दोस्तों तो 11,090 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ब्रॉडर रेंज प्राइस एक्शन एनालिसिस से आ रही है दोस्तों 11,090 एक सपोर्ट है और अपसाइड में 11,600 एक रेजिस्टेंस है। तो ब्रॉडर रेंज क्या आ गई दोस्तों 11,090 टू 11,600। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की तरफ और वहां जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए और दोस्तों ये आप देखिए, ये निफ्टी का 17 अक्टूबर को जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उसकी ऑप्शन चेन है दोस्तों। पहले हम पुट साइड में देखते हैं दोस्तों, पुट साइड में हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां देख सकते हैं 11,85,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है जो 11,000 पर है दोस्तों। स्ट्राइक प्राइस 11,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और नेक्स्ट हाईएस्ट है दोस्तों 11,010 जो बहुत माइनर गैप है दोस्तों वो है 11,200 पे। ये दर्शाता है दोस्तों कि 11,000 से लेके 11,200 का जो बैंड है दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंड है आने वाले सप्ताह के थर्सडे एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों जो थर्सडे की एक्सपायरी है दोस्तों कब, ये 17 अक्टूबर को। तो दोस्तों प्राइस एक्शन में क्या सजेस्ट हो रहा है, 11,090 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वही ऑप्शन चेन के डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 11,000 से 11,200 का बैंड है दोस्तों। अब दोस्तों हम कॉल साइड में देखते हैं, ये कॉल साइड के डेटा को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है दोस्तों ये है 11,400 पर और क्लोजली हाईएस्ट नेक्स्ट है जो दोस्तों 11,500 पे। तो इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि ऑप्शन चेन का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि 11,400 से 11,500 का जो बैंड है वो एक रेजिस्टेंस बैंड है, वाल 11,000 से 11,200 का जो बैंड है वो सपोर्ट बैंड है। प्राइस एक्शन एनालिसिस में जो रेंज आ रही है वो 11,090 से लेकर 11,600 की रेंज आ रही है। तो दोस्तों हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि बॉटम साइड में 11,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अप साइड में 11,500 एक रेजिस्टेंस की तरह साबित होगा।